आरोग्यम कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार। और श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार पांडे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार पांडुरंग जी, और आपके सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। डॉक्टर साहब, हमारे श्रोता आपका इंतजार करते हैं और अब उनके फोन भी आने शुरू हो गए हैं। देखते हैं पहला फोन किस श्रोता का है। हेलो। हाँ सर, नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है, कौन बोल रहे हैं? रामचंद्र प्रजापति सर जी बोल रहे हैं, चंदौली जिले के बलिया खुर्द गाँव से। हमारे साथ आज हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, क्या पूछना है आपको? पूछे सर, एक हमारे ही पड़ोसी हैं जिसको बीपी बढ़ जाता है और हृदय संबंधित उनके रोग पर परेशानी बड़ी रहती है। रामचंद्र जी, आपने एक बड़ा ही उचित सवाल पूछा है। तो सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कुछ जीवन शैली से संबंधित बीमारियां होती हैं, कब हम कहते हैं कि मरीज को बीपी की बीमारी है, नॉर्मली ये देखा गया है कि 18 वर्ष से ऊपर 65 साल की उम्र तक के मरीजों को अगर ब्लड प्रेशर उनका 140 ऊपर वाला और 90 नीचे वाले के ऊपर होता है तो उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी से हम ग्रसित मानते हैं। और ऐसे मरीजों को पहले हम लोग ये दवाइयां कुछ शुरू करने का प्रयास रखते हैं जिनका 40-90 के ऊपर है, किंतु दवाइयों के अलावा उनको अपने जीवन शैली से संबंधित चीजों में परिवर्तन लाना होता है। तो जो जीवन शैली से संबंधित परिवर्तन है उसमें खान पान में परिवर्तन होना चाहिए, जैसे नमकीन है, अचार है, चटनी है, पापड़ है, ये सारी चीजों में जो एडेड सॉल्ट होता है जिसको हम कहते हैं कि अधिक मात्रा में नमक होता है वो नहीं खाना चाहिए, उसका बचाव करना चाहिए। रोटी, दाल, सब्जी, जो चीजें हैं जो कि हम लोग जिसमें वसा की मात्रा कम हो, नमक की मात्रा कम हो, इन चीजों का सेवन करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे समाज में तंबाकू का सेवन लोग बहुत मात्रा में करते हैं, चाहे वो खैनी वाला तंबाकू हो, चाहे वो बीड़ी पीने वाला तंबाकू हो, जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में बहुत सहयोग प्रदान करता है। तो तंबाकू किसी भी तरह से बंद करना चाहिए, रोज नियमित रूप से कुछ व्यायाम करना चाहिए, खान पीन में परहेज करना चाहिए, तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए और नियमित रूप से अपना ब्लड प्रेशर की दवा डॉक्टर के सहयोग से लेते रहना चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर की बीमारी को हम लोग कहते हैं कि ये साइलेंट किलर होती है जो चुपचाप आपके हार्ट को, किडनी को, ब्रेन को बुरा असर डालती है। इस बीमारी से बचने के लिए जो मैं कई बार अपने प्रोग्राम में भी बता चुका हूँ कि आचार विचार, आहार और व्यवहार, इन चार चीजों पे अगर अपने जीवन में आप फोकस करेंगे कि आप अपना आचार विचार ठीक रखें, नियमित रूप से व्यायाम, अधिक तली हुई चीजें, वसा की चीजें, नमक की चीजें का, और ज्यादा जिन लोगों में मोटापा ज्यादा है वो लोग अपने कार्बोहाइड्रेट और मीठी चीजों का परहेज करें जिससे उनका वजन ज्यादा ना बढ़े, और अपने घर में माता पिता भाई बहनों में अगर किसी को ब्लड प्रेशर की, हार्ट की बीमारी है तो नियमित रूप से 40% मिल जाएंगे गांव में ही हमारे। हाँ, तो ऐसे लोगों को ये बात जानना जरूरी है कि ऐसे लोगों को अपना ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल का नियमित रूप से चेक कराते रहना चाहिए और उसको कंट्रोल करना चाहिए दवाई खा के। कई लोग होता है कि दवाई खाते हैं, जब वो कंट्रोल हो जाता है एक दो महीने बाद दवाइयाँ छोड़ देते हैं, जो कि ये गलत बात है। आराम रहता है तो फिर अपना नहीं, वो छोड़ना नहीं चाहिए जब तक आपके डॉक्टर आपको नई सलाह दें कि अब आप दवाइयाँ अपनी बंद कर सकते हैं। बिना अपने डॉक्टर की सलाह के दवाइयाँ ना बंद करें, नियमित रूप से अपने परहेज के साथ साथ दवाइयाँ लेना अति आवश्यक होता है इन बीमारियों में। रामचंद्र जी, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर जी, प्रणाम। हेलो। हेलो, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में आपने फोन मिलाया है, कौन बोल रहे हैं? जिला सागर, तहसील बंडा, मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। आपका ठाकुर सागर से 30 किलोमीटर दूर परतमा गाँव। अच्छा, बहुत दूर से बोल रहे हैं आप, मध्य प्रदेश से। हमारे साथ आज हृदय रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अजय पांडे जी, आपको क्या पूछना है? पूछे। जैसे वो जी घबराता है जी, तो उसमें अपन हो करना चाहिए घबराहट की समस्या डॉक्टर साहब जी, घबराहट की जो आपने बात कही है ठाकुर साहब, तो ऐसा है कि जी घबराना कई बीमारियों के लक्षण में शामिल हो सकता है, वो हृदय की बीमारियों में भी शामिल हो सकता है और मन की बीमारियों में भी, क्योंकि आजकल हम लोग ये देख रहे हैं कि 10 में से 2 और 3 व्यक्तियों को मन में तनाव की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं जिनको हम लोग डिप्रेशन या अवसाद की बीमारियां कहते हैं। तो कई बार होता है कि मन घबराता है, मन नहीं लगता, मन दुखी रहता है, मन उदास रहता है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं करती है, तो इन बीमारियों में अगर ये लक्षण आपको आ रहे हैं तो निश्चित रूप से ये जानना जरूरी होता है कि कहीं आपको मन में उदासी की बीमारी या डिप्रेशन की बीमारी तो नहीं आ रही है। ये देखा गया है कि जिन लोगों में डिप्रेशन या अवसाद की बीमारी होती है उनमें हृदय की बीमारियों के आने की संभावना ज्यादा होती है, और हृदय की बीमारियां जो हम लोग आज के समय में देखते हैं अपने समाज में, वो सबसे महत्वपूर्ण बीमारी है हार्ट की नसों में चर्बी जमा होने या कोलेस्ट्रॉल जमा होने की बीमारी, जिसको कि हम लोग कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं, जो कि बाद में हार्ट अटैक या एंजाइना के रूप में लोगों के बीच में दिखाई पड़ता है।
तो ऐसे व्यक्ति को जिनको कोई मन में घबराहट वाली समस्या आ रही है तो निश्चित रूप से आप किसी अपने चिकित्सक के पास जाके अपना ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल एक चेक कराएं और देखें कि अगर आपको मन में उदासी की बीमारी भी है तो अपने डॉक्टर को बताएं, वो आपकी उदासी को कंट्रोल करने के लिए कुछ दवाइयां देंगे जिससे कि आपका मन की उदासी, मन की घबराहट ठीक होगी। कुछ लोगों में हृदय गति की अनियमितता के कारण भी घबराहट होती है, जैसे हृदय गति अचानक बढ़ जाना या हृदय गति अचानक धीमी हो जाना, ये भी एक हृदय की बीमारियों से संबंधित है जिनको कि हम लोग एरिदमिया नाम की बीमारी कहते हैं। खास करके वृद्ध लोगों में देखा जाता है कि उनकी हृदय गति कम हो जाती है, आंखों के सामने अंधेरा आता है, कभी कभी बेहोशी आ जाती है। ऐसे व्यक्तियों को कई बार पेसमेकर नामक एक यंत्र की जरूरत पड़ती है। कुछ व्यक्तियों में जो हृदय गति तेज हो जाती है, धड़कन अचानक बढ़ जाती है, उसमें हम लोग दवाइयां कुछ देते हैं और उनको वो हृदय गति कंट्रोल करने के लिए प्रयास किया जाता है। कुछ विशेष तरह की हृदय की धड़कन तेज होने की बीमारियों में एक नया तकनीक आजकल इजाद हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं हार्ट के अंदर जाके उसकी जो एक अनियंत्रित करने वाले एक सर्किट होती है उसको सिकाई करना, इसको रेडियो फ्रिक्वेंसी एबुलेशन नाम का इलाज कहा जाता है। वो धड़कन बढ़ने वाली बीमारियों के लिए किया जाता है। जी, हार्ट अटैक में आता है। हार्ट अटैक एक दूसरी बीमारी को कहते हैं और धड़कन बढ़ना दूसरी बीमारी होती है, लेकिन हार्ट अटैक के मरीजों में भी धड़कन बढ़ना या घटना हो सकता है, वो आपके डॉक्टर इसका निदान करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो। हेलो, हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में फोन लग गया है, आपका नाम बताइए। रामसूर सिंह गाजीपुर से हम बोल रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ आज हृदय रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अजय पांडे, आपको क्या पूछना है? पूछिए। के मरीज भी हैं सर, दवा चल रही है। डॉक्टर साहब से अपनी समस्या बताइए। कभी कभी सीने में लेकिन वो चंद समय के लिए रहता है, तो बताइए कि क्या करें। देखिए ऐसा है रामसूर जी कि जो हृदय की बीमारी में एक जो सीने में दर्द होने की जो प्रवृत्ति होती है इसको हम लोग एंजाइना की बीमारी या हृदय के नसों में कोलेस्ट्रॉल जमा होने की बीमारी कहते हैं। ये नॉर्मली क्या होता है कि जब आप चलते फिरते हैं, कोई गतिविधि करते हैं, कोई फिजिकल या इमोशनल एक्साइटमेंट होता है, उस समय में आपके छाती में दर्द या भारीपन होना महसूस हो जाता है, जो कि आराम करने पे, रेस्ट करने पर कई बार बेहतर हो जाता है। इसको हम लोग एंजाइना की बीमारी कहते हैं। चलने फिरने में बैठे रहते हैं तब भी ऐसा, अगर बैठे बैठे ये समस्या आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपके हार्ट की नसों में बीमारी कई बार ज्यादा होने पर बैठे बैठे भी होता है, तो इसको हम लोग अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं। ऐसे मरीजों को अपने हृदय रोग चिकित्सक से मिलना चाहिए, उनको कुछ हम लोग दवाइयां देते हैं जिससे हार्ट की नसों को ढीला रखा जा सके, और अगर दवा के बावजूद आपको इस तरह की समस्या बनी हुई है तो एक निदान के लिए एक हम लोग टेस्ट करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एंजियोग्राफी टेस्ट। जिन मरीजों को बैठे बैठे भी अगर छाती में भारीपन हो रहा है, बिना चले फिरे भी हो रहा है, तो उनका एंजियोग्राफी टेस्ट नाम का एक चेक करते हैं हम लोग, जिसमें हृदय की नसों को दवाई डाल के चेक किया जाता है कि हृदय की नसों में कितना प्रतिशत रुकावट है। हृदय की तीन नसें होती हैं जिनको हम लोग हार्ट की कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं। अगर किसी भी नस में 70% से ज्यादा का रुकावट या अवरोध होगा कोलेस्ट्रॉल के द्वारा, तो आपको बैठे बैठे भी कई बार इस तरह की छाती में दर्द होने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में अगर आपको दवाइयों के बावजूद आराम नहीं मिल रहा है तो उस चेक के बाद, एंजियोग्राफी के बाद, आपके डॉक्टर आपको ये बताएंगे कि क्या आपको नसों की सफाई करने की आवश्यकता है, जिसको कि हम लोग एंजियोप्लास्टी नाम का इलाज कहते हैं, या जिन लोगों की तीनों नसों में रुकावट होती है, बीमारी कई जगह होती है, कई ज्यादा होती है, तो उनको बाईपास सर्जरी नामक जो इलाज है उसकी सलाह दी जाती है, जिससे उनके इन लक्षणों में भी आराम मिल जाता है और आगे चल के उनको जीवन भी काफी बेहतर हो जाता है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। हेलो। हाँ हेलो। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है, कौन बोल रहे हैं? अरे पांडुरंग सर नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ मऊनाथ भंजन से, पीएन गुप्ता जो है। हाँ डॉक्टर अजय पांडे जी हमारे साथ हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट, क्या पूछना है आपको? पूछिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। आप डॉक्टर साहब जिसे हार्ट की बात कर रहे हैं या बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी की नौबत कब आती है? क्या ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ने से फिर वो हार्ट की प्रॉब्लम होती है, फिर बाद में ये इसका अंतिम स्टेज है? देखिए मैंने ये पहले भी बताया अभी बाकी लोगों के सवालों के जवाब में कि हृदय की बीमारियों में एक महत्वपूर्ण बीमारी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज या हार्ट की नसों में रुकावट होने वाली बीमारी। इसमें मरीजों को चलने फिरने में छाती में दर्द होता है, बैठने में आराम हो जाता है, जिसको कि हम लोग एंजाइना का पेन कहते हैं। कुछ लोगों को बैठे बैठे जब दर्द होने लगता है इसको अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं, और कई लोगों को कई बार तेज दर्द होता है जिसमें कि हार्ट अटैक होने की भी संभावना होती है। तो इन सारे मरीजों को जिनको कि एंजाइना का पेन हो रहा हो या हार्ट अटैक हुआ हो, ऐसे मरीजों को ये जानना जरूरी होता है कि उनकी हार्ट की नसों में कितनी रुकावट है। इसके लिए हम लोग जो लोग अगर चल फिर के देख सकते हैं तो उनको हम लोग एक ट्रेड
ट्रेडमिल टेस्ट नामक एक जांच करते हैं, उसमें चला के उनको टेस्ट करते हैं। बट जिन लोगों को बैठे बैठे छाती में दर्द हो रहा है, जिनको हार्ट अटैक हुआ है, उनको वो ट्रेडमिल नहीं कर सके, उन लोगों को एंजियोग्राफी नामक एक टेस्ट करते हैं, जिससे हार्ट की नसों में कितनी रुकावट है। हार्ट की मुख्यतः 3 नसें होती हैं, तो उसमें कितनी रुकावट है इसका निदान करते हैं। अगर ये रुकावट किसी भी नस में 70% से ज्यादा है और व्यक्ति को चलने फिरने में छाती में दर्द हो रहा है, दवाइयों के बावजूद वो दर्द में आराम नहीं मिल रहा है, तो उस नस की सफाई की जा सकती है। अगर 1 या 2 नस में, कई बार 3 नसों में भी अगर उनकी सफाई करके एक छल्ला और स्टेंट नामक जो है वो डिवाइस डाली जा सकती है। लेकिन जिन लोगों में ऐसा देखा गया कि अगर बीमारी बहुत ज्यादा हो, 3 नसों में हो, डायबिटिक हो, तो ऐसे लोगों में एंजियोप्लास्टी के बजाय बाईपास सर्जरी भी एक बेहतर इलाज का ऑप्शन अवेलेबल होता है, जो कि लंबे समय में लोगों को फायदा देता है। तो ये सारे जो आधुनिक तकनीकी हैं जो हमारे इलाज के लिए अब हृदय रोग के मरीजों में, अब इवन छोटे शहरों में भी उपलब्ध होने लगे हैं, इससे जो हमारे हृदय रोग के मरीज हैं उनकी जीवन का समय आगे काफी बढ़ गया है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो गई है। तो इस तरह से हम लोग मरीजों का निदान करते हैं कि उनको क्या कितने हद तक बीमारी है, उनको किस चीज की आवश्यकता है। कुछ लोग जो है वो दवाइयों से ही बेहतर हो जाते हैं, दवाइयों पे ही कंट्रोल रहते हैं। जिनका दवाई से कंट्रोल नहीं हो पाता, उनको एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी की सलाह दी जाती है, जिससे उनका जीवन भी बेहतर रहे, उनके सिम्टम्स भी बेटर रहे और वो अधिक समय तक अपना लंबा जीवन जी सके। प्रारंभिक दिनों से किस तरह का खान पान रखें ताकि इस तरह के समस्याओं का, मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो हृदय रोग में नसों में रुकावट की जो बीमारी कोरोनरी हार्ट डिजीज है, इसके कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं, कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जिनको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, जिनको हम लोग मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर बोलते हैं। जैसे कि आपको अगर शुगर है तो शुगर को कंट्रोल रखना, ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना, हाई कोलेस्ट्रॉल है तो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखना। ये देखा गया है कि हमारे देश में जो कम उम्र के लोगों में ये हार्ट की बीमारी ज्यादा आ रही है, उनमें तंबाकू का सेवन ज्यादा होता है। जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, उनको तंबाकू का सेवन रोकना चाहिए। अपने जीवन में थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, तनाव को कम रखना, इन सारी चीजों को शामिल रखना चाहिए। तो अपने शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखना, तंबाकू को कंट्रोल रखना, खान पीन में ये देखना जरूरी है कि अधिक वसा की चीजें, तली हुई चीजें और जिनमें नमक की मात्रा ज्यादा हो, ये सारी चीजों का परहेज रखना चाहिए। और कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जिनको आप रोक नहीं सकते, जैसे जिन लोगों को आनुवांशिक हार्ट डिजीज होती है, जिनके माँ बाप भाई बहनों में हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, उनके बच्चों में ये बीमारी आने की संभावना ज्यादा होती है। तो ऐसे लोगों को जिनके की फैमिली में रिस्क फैक्टर हो, पुरुषों में बीमारी महिलाओं के अपेक्षा ज्यादा होती है, महिलाओं में जब महावारी चली जाती है, महावारी खत्म हो जाती है, तब ये बीमारी आने की संभावना ज्यादा होती है। तो ऐसे जिन लोगों को फैमिली में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर है, उनमें ये बीमारी ज्यादा होती है। तो ऐसे सारे लोगों को अपने फैमिली से रिलेटेड आनुवांशिक रिस्क फैक्टर जिनके यहाँ हो, उनको अपने रिस्क फैक्टर अपने पहले से चेक रखने चाहिए, शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल चेक रखना चाहिए, उसका नियमित रूप से इलाज करना चाहिए, एक अच्छा जीवन शैली में जीना चाहिए, खान पीन में और अपने व्यायाम में ध्यान रखना चाहिए और शरीर में तनाव कम रखना चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। हेलो। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है, कौन बोल रहे हैं? नगर निसार ग्राम समरुआ जिला आजमगढ़ से बोल रहे हैं। हमारे साथ आज हृदय रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अजय पांडे, आपको क्या पूछना है? हमको ये पूछना है डॉक्टर साहब से कि हृदय रोग होने पर कैसा कैसा दुख होता है और इसकी पहचान क्या है? बहुत ही उचित सवाल आपने पूछा है कि हृदय रोग होने पर क्या क्या लक्षण आते हैं। तो कई तरह के हृदय रोग होते हैं, जैसे कि हृदय रोग में सबसे महत्वपूर्ण एक है हाई ब्लड प्रेशर या ब्लड प्रेशर हाई होने के लक्षण। कई बार कहते हैं कि जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होता है उन्हें कोई भी लक्षण नहीं आते, या एक तरह की ये साइलेंट बीमारी होती है। लेकिन मुख्यतः जो लक्षण लोगों में दिखाई पड़ते हैं कि सर में दर्द रहना, चलने फिरने पर सीढ़ी चढ़ने पर सांस फूलना, चलने फिरने पर सीढ़ी चढ़ने पर छाती में भारीपन होना, ये सब अगर लक्षण आपको दिखाई पड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको अपना ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए। जिन लोगों में शुगर की बीमारी होती है उनमें हृदय की बीमारी आने की संभावना ज्यादा होती है। जिन लोगों को शुगर की बीमारी होती है उन्हें उनका वजन अचानक कम होना, पेशाब ज्यादा होना, प्यास ज्यादा लगना, भूख ज्यादा लगना, ये सारे लक्षण आते हैं। और तीसरा जो लक्षण जो हृदय के मरीजों में देखने को मिलते हैं कि वो चलने फिरने पर या अपनी कोई गतिविधि बढ़ाने पर या फिजिकल एक्टिविटी करने पर उनको छाती में भारीपन महसूस होता है, चलने में सांस फूलती है जो कि बैठने पर ठीक हो जाती है, किसी किसी को असहय छाती में दर्द महसूस होता है जिसको कि हम लोग हार्ट अटैक कहते हैं। कुछ लोगों को जिनके हृदय की बीमारियों में हृदय गति इरेगुलर होने या अनियमित होने की बीमारी होती है, उन लोगों में धड़कन महसूस होती है, अचानक धड़कन बढ़ जाना, अचानक धड़कन कम होना, आंख के सामने अंधेरा आ जाना, कभी बेहोशी आके गिर जाना। तो ये सारे जो लक्षण आप देख रहे होते हैं कि सर में दर्द रहना, चलने फिरने में सांस फूलना,
होना, चलने में छाती में दर्द होना, धड़कन महसूस होना, आंखों के सामने अंधेरा आना, बेहोश हो जाना, ये सारे लक्षण अगर किसी भी व्यक्ति में दिखाई पड़ रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से किसी अपने चिकित्सक से अपना निदान करना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, अपना शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल ये सारा चीजें चेक करना चाहिए। अगर वो तंबाकू वगैरह का सेवन कर रहे हैं तो उसको बंद करना चाहिए और अपना पूर्ण निदान कराना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। हेलो हेलो, हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है, कौन बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ असगर अली। हाँ असगर अली जी नमस्कार, हमारे साथ आज हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर अजय पांडे, आपका प्रश्न पूछिए। नमस्कार असगर अली जी, हार्ट मैं आपकी प्रश्न को पूरी तरह सुन नहीं पा रहा हूँ, बट जितना मुझे समझ में आ रहा है आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी हृदय गति शायद अनियमित रहती है, कभी कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है। अगर ये आपकी समस्या है तो कुछ लोगों को, खास करके वृद्ध लोगों को जो 65-70 साल की उम्र के, तो इस तरह के वृद्ध लोगों में ये प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं कि हृदय की गति की अनियमितता की बीमारी काफी देखने को मिलती है। जैसे कि लोगों के बाल सफेद हो जाते हैं, हड्डियां बिगड़ जाती हैं, दांत घिस जाते हैं, गिर जाते हैं, वैसे ही हृदय के बिजली के तार भी डिफेक्टिव हो जाते हैं, वो भी घिस जाते हैं। तो ऐसे लोगों में ये देखा गया है कि कभी कुछ लोगों की हृदय गति धीमी हो जाती है, या हृदय गति तेज हो जाती है, या हृदय गति अनियमित हो जाती है। तो इस तरह की बीमारी को हम लोग एरिदमिया नाम की बीमारी कहते हैं। कभी अगर हृदय गति ज्यादा कम हो जाए तो ऐसे लोगों को आंख के सामने अंधेरा आने लगता है। अगर हृदय गति 50 के नीचे रहने लगे, अगर हृदय गति 50 के नीचे रहती जिन लोगों को, तो कई बार उनको आंख के सामने अंधेरा सा आता है, लगता है कि गिर जाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति को निदान के लिए अपना एक ECG कराना चाहिए, और हम लोग ज्यादा बेहतर निदान के लिए एक 24 घंटे का ECG करते हैं, जिसको कि हम लोग हॉल्टर टेस्ट कहते हैं, जिसमें 24 घंटे का आपका हृदय की गति को रिकॉर्ड किया जाता है और देखा जाता है कि जब आपको लक्षण आ रहे हैं, जब आपको कुछ इररेगुलरिटी फील हो रही है, आंख के सामने अंधेरा लग रहा है या घबराहट लग रही है, उस समय आपकी हृदय गति धीमी है या तेज है, और कितनी तेज है या कितनी धीमी है, उसके आधार पे आपको दवा, या अगर बहुत धीमी हृदय गति है तो पेसमेकर नामक एक यंत्र की जरूरत पड़ती है। जिनकी हृदय गति 50 से नीचे रहने लगती है, 40-35 इस तरह रहने लगती है, और आंख के सामने अंधेरा होता है, चलने पे सांस फूलती है, ऐसे लोगों को पेसमेकर नामक यंत्र की जरूरत पड़ सकती है। तो ये आप अपने एक हृदय रोग चिकित्सक से मिलिए, अपना एक ECG कराइए, और एक अपना 24 घंटे का होल्टर नामक टेस्ट होता है वो कराइए, तो आपकी बीमारी का निदान पूर्णता हो जाएगा। धन्यवाद धन्यवाद। हेलो हेलो, हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है, कौन बोल रहे हैं? प्रणाम सर, हम घनश्याम पटेल बसी हैं, खुद जौनपुर से बोल रहे हैं सर। घनश्याम जी, डॉक्टर अजय पांडे जी हमारे साथ हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट, क्या पूछना है आपको? डॉक्टर प्रणाम, प्रणाम बताएं। अजय सर, कि हमारे सीने में जो है ना, कभी कभी दर्द होता है जब कुछ वर्क करते हैं काम जी, तो दर्द होता है, और कुछ हल्का जैसे कफ जैसा थूक। तो कभी अगर आपको देखिए चलने में या काम करने में छाती में दर्द होता है, तो जैसा कि मैं पहले भी बाकी लोगों को ये सवालों का जवाब दे चुका हूँ कि ये एक तरह की बीमारी का लक्षण हो सकता है, जिसे हम लोग एंजाइना का पेन कहते हैं। तो ऐसे लोगों को जिनको इस तरह के लक्षण आते हैं, हमें कुछ चीजों के बारे में जानना आवश्यक होता है कि आपका ब्लड प्रेशर कैसा रहता है, आपका शुगर कैसा है, आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कैसी है, आप कोई तंबाकू का सेवन तो नहीं करते हैं, आपके घर में परिवार में आपके माता पिता भाई बहन किसी को हार्ट की BP की शुगर की बीमारियां तो नहीं है। ये सारा कुछ जानने के बाद हम लोग आपका एक टेस्ट करना चाहते हैं, जिसमें कि हम लोग बोलते हैं सामान्य ECG करने के बाद अगर आपका सामान्य ECG नॉर्मल दिख रहा है, तो एक हम लोग एक्सरसाइज ECG होता है, जिसको हम लोग ट्रेडमिल टेस्ट कहते हैं, उसमें आपके छाती पे ECG लगा के आपको एक मशीन पे चलाया जाता है, और देखा जाता है कि आपको जो चलने में आपको जो तकलीफ होती है, उस समय मशीन पे चलने पे आपको वो तकलीफ हो रही है या नहीं, या हो रही है तो कितनी देर बाद हो रही है, और उस समय आपके ECG में, आपके ब्लड प्रेशर में, आपके हृदय गति में क्या परिवर्तन आ रहा है। तो इस टेस्ट से आपका काफी हद तक निदान हो सकता है, और जिन लोगों को कोई खांसी भी आ रही हो साथ में, तो ये जानना जरूरी होता है कि आपके हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कितना है। उसके लिए हम लोग एक टेस्ट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इकोकार्डियोग्राफी। तो वो आपका होना चाहिए, आपका एक चेस्ट का एक्सरे होना चाहिए, और बलगम में जो भी बलगम निकल रहा है उसका चेक होना चाहिए। तो ये सारे चीजों का आप अपना निदान कराएं, जिससे आपके जो लक्षण है
ये किस कारण से आ रहे हैं, वो आपके फेफड़ों के कारण आ रहे हैं या आपके हार्ट के नसों में रुकावट के कारण आ रहे हैं, इसका पूर्ण निदान हो पाएगा और उसके हिसाब से आपको आगे के लिए जो उपचार या चिकित्सा की चीजें हैं वो आपके डॉक्टर आपको बता सकेंगे। सर तो इसके लिए हमें जांच करानी होगी? जी, इन चीजों का आप अपना जांच कराइए। पहले अपना ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और ECG कराइए, एक चेस्ट एक्सरे कराइए। इन चीजों में कुछ अगर चीजें पता लगती हैं तो डॉक्टर आपको इलाज देंगे, नहीं पता लगती हैं तो आपको एडवांस टेस्ट जो है इकोकार्डियोग्राफी और ट्रेडमिल टेस्ट नामक दो टेस्ट होते हैं जो कि आपके हार्ट की फिटनेस को, आपके हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी को, ये सारी चीजों का निदान कर देंगे, जो कि सभी सामान्य जगहों पे, इवन जौनपुर में अगर आप हैं तो जौनपुर में भी उपलब्ध हैं ये सारे टेस्ट और सभी छोटे शहरों में भी उपलब्ध है आजकल। मतलब सदर जौनपुर में हो जाएगा? हाँ, हो जाता है, सभी छोटे शहरों में भी ये टेस्ट आज के समय में उपलब्ध है और ये जो है बहुत ही सामान्य टेस्ट है, इसको कराने में कोई ऐसा बहुत मुश्किल काम नहीं है और न ही बहुत महंगे टेस्ट होते हैं। चलिए सर, ठीक है, जानकारी के लिए धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है, कौन बोल रहे हैं? हम सर मदनलाल बोल रहे हैं, चंद्रपुर जापानी अम्बेडकर नगर है। अच्छा, हमारे साथ आज हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। जी सर, नमस्कार। नमस्कार, बताएं। जैसे हार्ट इनको है सर, तो उनको दवा परमानेंट लेना चाहिए कि सर कंटिन्यू चलाने के बाद उनको छोड़ देना चाहिए? बहुत ही उचित सवाल पूछा है आपने कि क्या हार्ट के मरीजों को या हृदय के मरीजों को दवा निश्चित रूप से लेनी चाहिए या उनको महीने, दो महीने, चार महीने, छह महीने बाद छोड़ देना चाहिए। ये सारी बीमारियां जो ब्लड प्रेशर की बीमारियां हैं, हार्ट की बीमारियां हैं, जिनमें कि हार्ट की नसों की रुकावट की बीमारियां हैं, हार्ट की पंप के वीक होने की बीमारियां हैं, इन सब बीमारियों में दवाइयां नियमित रूप से लेनी पड़ती है। आपके डॉक्टर निर्धारित करेंगे कि कब दवाइयों को कम करना है या कब किस दवाई को रोकना है। आपको अपने से इन दवाइयों को नहीं रोकना चाहिए, सिर्फ कुछ अवस्थाओं में। जैसे अगर मान लीजिए आप ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं और हार्ट की दवा ले रहे हैं, अचानक आपको कोई लूज मोशन, डायरिया, वोमिटिंग हो गया, शरीर से पानी की मात्रा का लॉस हो गया, शरीर में पानी कम हो गया, ऐसी अवस्था में आपको ब्लड प्रेशर वगैरह कम हो जाता है, तो आप एक दिन, दो दिन, तीन दिन के लिए अपनी ये दवाइयां रोक सकते हैं, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के 24-48 घंटे से ज्यादा दवाइयों को नहीं रोकना चाहिए और नियमित रूप से दवाइयां लेनी होती हैं, क्योंकि यही आपके जीवन को आगे ठीक रखने के लिए बेहतर होती है। जैसे हम लोग कहते हैं कि किसी व्यक्ति की अगर नजरें कमजोर हैं तो वो चश्मा लगाते हैं, दूर दृष्टि है तो बराबर चश्मा लगाते हैं, जिससे वो बेहतर देख सके और अपना जीवन ठीक ढंग से चला सके। वैसे अगर आपका हार्ट कमजोर है, हार्ट की नसों में रुकावट है, आपका कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर बढ़ा हुआ है, तो ये दवाइयां नियमित रूप से लेनी होती हैं और जीवन में जो परहेज डॉक्टर आपको बता रहे हैं, जिन चीजों का वो परहेज करना होता है, और दवाइयां अपने से नहीं बंद करनी चाहिए। जो लोग अपने से दवाइयां बंद कर देते हैं तो जो उनका हृदय बेहतर हो चुका है, जो बीमारियों में जो फायदा मिल चुका है उन दवाइयों से, वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है और मरीज दोबारा ज्यादा बीमारी लेके डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। तो ऐसा कभी भी ना करें कि बिना डॉक्टर के सलाह के अपनी दवाइयां कभी भी ना बंद करें। एक दो दिन अगर आपको कोई लूज मोशन, डायरिया, वोमिटिंग, इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो एक दो दिन दवाइयां बंद करने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लंबे समय तक दवाइयां, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन बंद करने के लिए पहले अपने डॉक्टर की सलाह लें, बिना उसके ना बंद करें। ठीक है सर जी, ठीक, बस वही जानकारी आपसे चाहते थे सर, तो जानकारी आप देंगे, इसीलिए धन्यवाद सर। धन्यवाद दोनों को सर, थैंक यू सर। डॉक्टर अजय पांडे जी, एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी, तो इन दोनों में क्या फर्क होता है, बहुत संक्षेप में एक सामान्य सी जानकारी। देखिए, ऐसा है कि एंजियोग्राफी एक तरह का जांच है जी, वो एक तरह का निदान है, कोई वो इलाज का तरीका नहीं है जी। जैसे अगर किसी व्यक्ति को मुझे ये जानना होता है कि इनके हार्ट में क्या प्रॉब्लम है, तो हम उनका ECG करते हैं जी। ECG एक तरह का निदान करने की तकनीक है जी, यह कोई इलाज नहीं है। तो जब हम लोग यह सस्पेक्ट करते हैं कि किसी व्यक्ति के हार्ट की नसों में कितनी रुकावट है, ये जानना है, तो हम लोग उनको एंजियोग्राफिक नामक एक टेस्ट करते हैं, जो कि हाथ की नसों से, पैर की नसों से हार्ट की नसों तक पहुंच के वहां दवा दी जाती है और उसकी फोटो या फिल्म बनाई जाती है, जिसका अध्ययन करके हम लोग ये देखते हैं कि इसमें कितनी रुकावट है। और एंजियोप्लास्टी एक तरह का वो इलाज है जी, जिसमें कि अगर हम लोग को ये पता चलता है कि किसी नस में रुकावट जो है कोलेस्ट्रॉल जमा होने के कारण 70% से ज्यादा है जी, और वो नस, उसमें ब्लड सप्लाई कम होने से व्यक्ति को चलने फिरने में छाती में दर्द हो रहा है या एंजाइना हो रहा है, तो उसमें हम लोग एक महीन रेशमी धागा जैसा तार उस नस में डाल के, उसके ऊपर एक गुब्बारा डाल के जी, उस नस के जहां रुकावट है उसको पहले उसको खुलाते हैं, उसको जगह बनाते हैं और वहां पे एक स्टेंट नामक एक छल्ला होता है जो कि वहां पर प्रत्यारोपित करते हैं, जिससे कि वो जगह जहां पे 70-80% रुकावट थी वहां पर 5-10% रह जाता है और आगे का रास्ता खुल जाता है जी। तो एंजियोप्लास्टी
एक तरह का इलाज है और एंजियोग्राफी उसी का जानने की तकनीक है जिसको कि हम लोग जांच कहते हैं। अंत में डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि हार्ट अटैक बहुत सुनाई पड़ रहा है और बहुत लोगों को ये समस्या हो जाती है जी, तो हार्ट अटैक होने पर क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं ये हमें पता चले कि ये हार्ट अटैक ही है जी, और तत्काल हमको क्या करना चाहिए? देखिए आपका बहुत ही उचित सवाल है पांडुरंग जी, और आज के समय में हमारे देश में ये बीमारी बहुत बढ़ रही है, तो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण जो होता है हार्ट अटैक का कि अगर किसी व्यक्ति को जौ के नीचे, जबड़े के नीचे जी और नाभि के ऊपर, बाएं हाथ में, दाएं हाथ में, आगे पीछे कहीं पे भी कोई अगर असहनीय दर्द होता है, ऐसा महसूस होता है कि जैसे मेरे छाती पे कोई हाथी चढ़ गया हो, और ऐसा दर्द जीवन में कभी ना हुआ हो जी, तो इसका मतलब है कि ये खतरनाक दर्द है, ये हार्ट का अटैक वाला दर्द हो सकता है जी। लोगों को कई बार इस दर्द के साथ पसीना भी आता है, घबराहट होती है, उल्टी मछली भी आती है, लेकिन कई बार लोग उसको गैस का दर्द समझ के उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी को इस तरह का दर्द आए तो इमीडिएटली आप किसी अच्छे अस्पताल में पहुंचिए जहां पर आईसीयू सीसीयू की व्यवस्था हो, इमरजेंसी रूम में पहुंचकर तुरंत अपना एक ईसीजी कराइए और वहां कम से कम 6 से 8 घंटा ऑब्जर्वेशन में रहिए। कई बार होता है कि आप पहुंचे, दर्द ठीक हो गया तो ईसीजी नॉर्मल भी हो गया जी, लेकिन वो कराना चाहिए, उसका टेस्ट देखना चाहिए। ऐसे में आपको निश्चित रूप से हम लोग कुछ ईसीजी के अलावा उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक बायोमार्कर, ट्रोपोनिन वगैरह टेस्ट करते हैं जिससे कि पता चलता है कि ये हार्ट का पेन है कि नहीं। और ऐसे में आप कर क्या सकते हैं, अगर आपके पास अवेलेबल दवाई हो तो एक दवाई जो कि आप कभी भी ले सकते हैं ऐसे लक्षण में, उसको हम लोग बोलते हैं एस्पिरिन जी। एस्पिरिन की गोली जो है वो हार्ट अटैक के मरीजों में, अगर वो हार्ट अटैक है जो ये दर्द है आपका जी, तो अगर आप अस्पताल में पहुंचने से पहले आपने एक पूरा एस्पिरिन की गोली खा ली है तो उससे आपको बेनिफिट मिलता है। और बाकी दवाइयां बिना ब्लड प्रेशर और ईसीजी चेक किए हुए लेना उचित नहीं होता है। ये अच्छी बात है कि मरीज को ज्यादा एक्सर्शन नहीं करना चाहिए, लेटे रहना चाहिए, और अगर वो शुगर के मरीज हैं या ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो अपना शुगर ब्लड प्रेशर अतिशीघ्र चेक कर लें, और निश्चित रूप से अतिशीघ्र अपने एक डॉक्टर के पास पहुंचे जो कि आईसीयू फैसिलिटी जहां पे हो जी। क्योंकि प्रथम 6 घंटे में एक महत्वपूर्ण दवाई हम लोग हार्ट अटैक के मरीजों को देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी, उससे हार्ट के अंदर जो क्लॉट बन रहा है वो खुल जाता है जी, जिससे हार्ट में होने वाला डैमेज कम हो जाता है। आजकल सभी बड़े शहरों में जहां पर कि एक इमीडिएट एंजियोप्लास्टी की सुविधाएं अवेलेबल हो, जो कि हर अस्पताल में हर शहर में नहीं हो पाता है, तो प्राइमरी एंजियोप्लास्टी नामक एक इलाज होता है जो कि बजाय हम लोग वो थक्का डिसॉल्व करने वाली दवाई के बजाय इमीडिएटली मरीज का एंजियोप्लास्टी करके उनके हार्ट के अटैक को कम किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। बट वो सब समय सब जगह संभव नहीं होता, और अगर समय पे आप आधा एक घंटे के अंदर आप अच्छे अस्पताल में पहुंच जाए जहां पर ये थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी नामक दवाई लगा दी जाए जी, जी। तो आपके जो बड़ा हार्ट अटैक होने वाला है वो रुक सकता है, आपको आराम मिल सकता है, आपका हार्ट डैमेज होने से बच सकता है जी। बहुत उचित सलाह हमारे श्रोताओं तक पहुंची है। अब हम विदा लें, इससे पहले डॉक्टर अजय पांडे जी आपकी पसंद का एक गाना हम श्रोताओं को जरूर सुनवाना चाहेंगे, कौन सा गीत है? उपकार के इस गाने को मैं बहुत अपने दिल से चाहता हूँ, कस्मे वादे प्यार वफा सब। क्या बात है, क्या बात है, मन्नाडे साहब का गाया ये गीत है, तो हम अपने श्रोताओं तक पहुँचाते हैं। और अब हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार पांडे जी को ढेर सारा धन्यवाद दे देते हैं। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ, एक नए विशेषज्ञ के साथ आरोग्यम कार्यक्रम में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। कसमे वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। कसमे वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या। होगा मसीहा तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा, तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। आसमान में आसमान
कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या।